ये देख सकते हैं कि मिर्च ये देसी पौधा है, ये पिकाडोर का देसी पौधा है। ये फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। और इसी में हम देखेंगे, ये एक पौधा ये है, फिर ये पौधा ये है, और ये पौधा हम वैसे एक्चुअल देखना है हमें, ये भी देसी था, ये भी देसी था। और मेल फीमेल है क्या है, हमने जो सल्फर जिंक का सेकंड टाइम किया है स्प्रे वो देखना है। तो उसको देख रहा हूँ, तो साथ में ये भी कैप्चर कर रहा हूँ, ये भी देसी पौधा है। ये देख सकते हैं पिकाडोर का देसी है, और इसमें संख्या है आपकी 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 मिर्च, और ये हाइब्रिड है, ये भी देसी है आपका, फिर भी ये भी देसी। क्या पता कितना वेरिफिकेशन कैसे है, समझ से परे है कैसे क्रॉसिंग की है। ये प्लाट क्रॉसिंग जहाँ पे भी हो वहाँ पर गड़बड़ थी, और ये बिल्कुल बिल्कुल अंतर दिख रहा है। ये देखिए, ये जो लकड़ी गड़ी हुई है वहाँ से हमने वहाँ तक किया था सल्फर, ठीक है, जिंक प्लस सल्फर, तो अंतर दिख रहा है। ये देखिए, ये बाकायदा बिल्कुल अंतर है। वैसे ये देसी हैं कुछ पौधे, और ये देख सकते हैं ये और ये, ठीक है ना, और ये कलर चेंज हुआ। आप देखते हैं आज और किया है तो इसका क्या असर आता है। ये जैसे ये यहाँ पर आपका ख़त्म होता है हमारा, ठीक है, इसके बाद देखिए उधर ज़्यादा पीलापन है, इधर कम पीलापन है। हम पास में भी जाके देखें, ये देख सकते हैं इसमें ग्रीननेस आ गया है कुछ, और फिर हम जिसमें नहीं दिया इसमें देखते हैं ये, ठीक है, तो इनके फोटो भी हम कंपेयर कर लेंगे। देख अंतर तो है भाव, ठीक है, और ये सब देसी पौधे हैं, ये वाले लेट आते हैं, ये इनमें खासियत होती है कि लेट आते हैं, और जो इसको हाइब्रिड बनाया गया तो इसको जल्दी लाने के लिए इसका ऑब्जेक्ट था। इसके अलावा कुछ नहीं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी नहीं है, पेस्ट रेजिस्टेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं इस वेराइटी में। ये आपका UPL की है शायद, पिकाडोर है ये, ये हमने देखा है, ठीक है, सामने देख सकते हैं, तो अंतर आता है।